हेलो नमस्ते यार, कैसे हो आप सब दोस्तों। अगर आपका बजट रेंज 15,000 से लेकर 20,000 तक के बीच में है और आप इस प्राइस सेगमेंट में कोई बेस्ट फ्लैगशिप टॉप नॉच लेवल वाला स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको एकदम सारे फीचर फ्लैगशिप लेवल के देखने को मिले, लाइक अगर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं तो आपको फ्लैगशिप लेवल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए, साथ ही अगर आप कॉन्टेंट वॉच करना पसंद करते हैं या फिर मल्टीमीडिया यूज के लिए लेना चाहते हैं तो आपको फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले देखने को मिल जाए, या फिर अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं एंड अगर मल्टीटास्किंग लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो आपको पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाए, एंड साथ ही मोबाइल फोन के अंदर आपको बैटरी एंड चार्जिंग भी अच्छी देखने को मिल जाए। अगर आप ऐसा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं अंडर 15,000 में तो दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, बिकॉज इस लिस्ट के अंदर हमने टॉप 3 बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं जो कि अंडर 15,000 के आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में विदाउट टाइम वेस्ट किए। दोस्तों बात करते हैं इस लिस्ट के फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि रहता है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला एज 20 फ्यूजन। दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले बात करें मोबाइल फोन की बॉडी के बारे में, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको वाटर रिपेलेंट डिजाइन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से मोबाइल फोन के ऊपर थोड़ा बहुत पानी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मोबाइल फोन के फ्रंट में आपको ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, 185 ग्राम का वेट, 8.3 mm की थिकनेस, इन हैंड फील आपको काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलने वाली है बिकॉज मोबाइल फोन के अंदर आपको काफी लाइट वेट देखने को मिलेगा एंड काफी स्लिम है मोबाइल फोन। ओके, मोबाइल फोन के अंदर आपको OLED 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट, HDR10+ की सपोर्ट, 85.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो जिसकी वजह से मोबाइल फोन की डिस्प्ले की आपको साइड बेजल बहुत ही ज़्यादा कम पतली देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं मोबाइल फोन के चिपसेट के बारे में, इसमें आपको ऑक्टा कोर मीडिया टेक डायमेंसिटी 800U 7nm के साथ 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड वर्जन 11 पर बेस्ड है जो कि काफ़ी तगड़ा और पावरफुल आपको चिपसेट देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के रियर पार्ट में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस जो कि आपको LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलेगा। इस मोबाइल फोन के रियर कैमरे से आप 4K/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड 1080p में आप 30fps, 60fps, 120fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p में। मोबाइल फोन के फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी स्नैपर देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आप 1080p/30fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे फ्रंट कैमरे से। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जिसके साथ आपको 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छी बात है। मोबाइल फोन को आप इजिली लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं एंड फास्ट चार्ज कर सकते हैं विद 30W फास्ट चार्जर के साथ। ओके, मोबाइल फोन के अंदर आपको 3.5mm का जैक भी देखने को मिल जाता है, आप इजिली ईयरफोन यूज कर सकते हो। बेसिकली काफी सारे स्मार्टफोनों के अंदर आपको अब 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलता बट इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ वर्जन 5 देखने को मिलेगी, USB Type-C 2.0 और मोबाइल फोन के अंदर आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। इस प्राइस पॉइंट पर आपके लिए मोटोरोला एज 20 फ्यूजन भी काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है बिकॉज आपको काफी सारे फीचर लाइक फ्लैगशिप लेवल के देखने को मिल जाते हैं। 4K में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, चिपसेट आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले भी आपको OLED देखने को मिलती है, लाइक किसी भी फीचर में आपको कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मोटोरोला एज 20 फ्यूजन की तरफ जाएंगे तब। ओके, तो लिटरली आप चेकआउट कर सकते हैं, बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं इस लिस्ट के सेकंड स्मार्टफोन के बारे में जो कि रहता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M32। ये स्मार्टफोन 4G है, हालांकि इसमें आपको काफी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। ओके, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फीचर एक्सप्लेन कर देता हूं। 4G चिपसेट क्या है मैंने आपको क्लियर बता दिया है, साथ ही बात करें मोबाइल फोन के ओवरऑल सारे फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की बॉडी के बारे में। दोस्तों इस मोबाइल फोन की बैक एंड फ्रेम दोनों ही आपको प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे, फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास पाइप की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, 180 ग्राम का वेट, 8.4mm की थिकनेस, मोबाइल फोन थोड़ा सा बल्की देखने को मिल जाता है बट आपको बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगी। ओके, बाकी लाइट वेट है मोबाइल फोन। ओके, बात करते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले के बारे में। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको सुपर AMOLED 6.4 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट, 800 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, 83.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास पाइप की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी डिस्प्ले के अंदर। नो डाउट डिस्प्ले आपको अल्ट्रा फ्लेक्सिबल लेवल वाली देखने को मिलने वाली है। ओके, बात करते हैं चिपसेट के बारे में। इसमें आपको ऑक्टा कोर मीडिया टेक हीलियो G80 12nm के साथ एंड्रॉइड वर्जन 11 पर 4G चिपसेट देखने को मिलता है तो काफी अच्छा आपको चिपसेट भी देखने को मिल जाता है। नो डाउट
बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन के रियर पार्ट में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस जो कि आपको LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलेगा, प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ लेंस भी देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फ़ोन के रियर कैमरे से आप 1080p/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप 1080p/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे फ्रंट कैमरे से भी। दोस्तों मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था थोड़ा बल्की मोबाइल फ़ोन है, एंड मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 15W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। मोबाइल फ़ोन को आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। अदर फीचर्स के बारे में बात करें, इसमें आपको 3.5mm का जैक भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको ब्लूटूथ वर्जन 5, USB Type-C 2.0 एंड मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट साइड एंड माउंटेड देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस पॉइंट पर। दोस्तों मैंने आपको बताया कि अंडर 15,000 में सैमसंग गैलेक्सी M32 आपके लिए सैमसंग की तरफ से काफ़ी बेटर ऑप्शन रह सकता है, अगर आप कोई सैमसंग का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं तब। ओके, काफ़ी ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है, काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं। ओके, मैंने आपको बता दिया कि स्मार्टफोन 4G है। अगर आपको स्मार्टफोन परचेस करना है तो बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हैं। बाकी तो स्मार्टफोन के बारे में जो कि रहता है वीवो की तरफ से Y35, हालांकि ये स्मार्टफोन भी 4G है, बट 4G का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ऑलरेडी आपको पता है कि 5G नेटवर्क को इंडिया को पूरा कवर करने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप 4G की तरफ भी जा सकते हैं, बिकॉज इन स्मार्टफोनों के अंदर आपको फीचर नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाते हैं 4G की वजह से। ओके, बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप फीचर्स के बारे में स्मार्टफोन के। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की सबसे पहले बॉडी के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको प्लास्टिक की बैक फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको ग्लास की प्रोटेक्शन, 188g का वेट, 8.3mm की थिकनेस। मोबाइल फोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट और स्लिम भी है। मोबाइल फोन के अंदर आपको IPX4 वाटर रेसिस्टेंस की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। ओके, साथ ही इस मोबाइल फोन के अंदर आपको IPS LCD 6.58 inches की डिस्प्ले देखने को मिलती है, 90Hz का रिफ्रेश रेट, 550 nits की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है, 83.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी, जिसकी वजह से मोबाइल फोन की बेजल आपको साइड बेजल काफ़ी ज़्यादा पतली देखने को मिलने वाली है। तो डिस्प्ले में आपको कोई भी डाउट नहीं है, काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के चिपसेट के बारे में। इसमें आपको ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 4G चिपसेट देखने को मिलता है, 6 नैनोमीटर के साथ आता है, फनटच 12 एंड्रॉइड वर्जन 11 पर बेस्ड है, जो कि काफ़ी आपको पावरफुल चिपसेट भी देखने को मिल जाता है 4G। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। बाकी बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन के रियर पार्ट में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो कि आपको LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिल जाएगा। मोबाइल फ़ोन के फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी स्नैपर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप 1080p/30fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। मोबाइल फोन का फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा आपको डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं बैटरी के बारे में। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 44W का फास्ट चार्जर, जिसकी वजह से 34 मिनट के अंदर ओनली आप 70% चार्ज कर पाओगे। मोबाइल फोन के अंदर आपको डाउन गोल्ड एंड अगेट ब्लैक ये दो कलर स्कीम देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी प्रीमियम है। इन हैंड फील आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा हैंडसेट। एंड बात करते हैं अदर फीचर्स के बारे में। इस मोबाइल फोन के अंदर भी आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा, आप इजीली ईयरफोन यूज़ कर सकते हो। ब्लूटूथ वर्जन 5, USB Type-C 2.0 भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही मोबाइल फोन के अंदर आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पर आपके लिए वीवो Y35 भी काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है, बिकॉज काफ़ी अच्छे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है, कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाती है। इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप कोई वीवो की तरफ से स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं अंडर 15,000 में। तो दोस्तों तीनों स्मार्टफोन अपने प्राइस के हिसाब से, अपने स्पेक्स के हिसाब से एंड अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बेटर वैल्यू फॉर मनी है, आप कोई सा भी कंसीडर कर सकते हैं। बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।